अगर आप भी मेरी तरह मोटे घने लंबे बाल चाहती हैं तो ये हेयर सीरम जरूर लगाएं। तो इस वीडियो में मैंने बनाया हेयर टॉनिक सीरम और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत ज़्यादा 100% नेचुरल। तो यहाँ पर सीरम लगाने के बाद मैंने बालों को वॉश कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम सीरम लगाते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लूँगी एक ऑनियन, आपको रेड वाला ऑनियन लेना है, मेरे पास सिर्फ यही था तो मैंने यही ऑनियन लिया है। वैसे जो रेड वाला होता है उसमें सल्फर ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके पास जो भी अवेलेबल है ऑनियन में आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लेती हूँ ये विटामिन ई का कैप्सूल, तो यहाँ पर मेरे को 2 कैप्सूल का यूज़ करना है सिर्फ। विटामिन ई के फ़ायदे तो आप जानते हैं, ये बालों को कितना अच्छा डीप कंडीशनिंग करता है और बालों में शाइन लेकर आता है। इसके बाद जो लास्ट एंड थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है बजाज का कोकोनट ऑयल लिया है मैंने, और ये 100% प्योर है और मैं हमेशा कोकोनट ऑयल का ही इस्तेमाल करती हूँ। आप देख सकते हैं मेरी किसी भी वीडियो में मैं कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ। इसके बाद हम ग्राइंड कर लेंगे प्याज को या कद्दूकस कर लेंगे, इसके बाद हम उसको अलग कर लेंगे, कटोरी के अंदर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं, वैसे ज़्यादातर हम जैसे ओनियन वगैरह लगाते हैं स्मेल आती है ओनियन के अंदर लगाने पे बालों के अंदर, तो आप उसके अंदर पानी मिला लीजिए, आप इसके अंदर अच्छा खासा पानी डाल दीजिए ताकि आप अच्छे से अपने बालों में अप्लाई कर सके, और इसके अंदर कोई एसेंशियल ऑयल भी आप 4-5 बूंद डाल सकती हैं तो इसके बाद स्मेल नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैं पानी को अलग कर लेती हूँ, ऑनियन को पानी से अलग करके इसका जो जूस होता है वो सारा अलग करके निकाल लूँगी मैं एक बाउल के अंदर, और यहाँ पर मैं 2 कैप्सूल का इस्तेमाल करूँगी। आप देख सकते हैं मैंने 2 कैप्सूल लिए हैं यहाँ पर। विटामिन ई कैप्सूल के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इसके अंदर इतने सारे गुण होते हैं जो कि आपकी स्किन से लेकर आपके बालों को बहुत ज़्यादा अच्छा कर देते हैं, तो ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते और ये बहुत सही होते हैं। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और खा भी सकते हैं, लेकिन खाने के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, तो इसके बाद आप इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 कैप्सूल को डाल दूँगी इसके अंदर, और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल हमको इसके अंदर 1 चम्मच डालना है, फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इस रेमेडी को आप वीक में 2 बार लगा सकते हैं या 3 बार लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो रेमेडी है ये हेयर की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और बालों को शाइन भी बनाता है, सिल्की भी बनाता है। बाल के अंदर जैसे सर के अंदर कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है ना, फंगल वगैरह, डैंड्रफ वगैरह कुछ भी होता है, तो उसको बहुत जल्दी रोकता है, तो ये बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप इसको लगा सकते हैं। आप चाहे तो इसे स्प्रे बॉटल में ट्रांसफ़र करके अच्छे तरीके से स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्प्रे बॉटल में इसको ट्रांसफ़र नहीं किया है, इसको मैंने इस जार में ही डाल दिया था, तो छोटे से जार में ही रहने दिया। इसके बाद अगर आपके पास कॉटन है तो आप कॉटन का इस्तेमाल करके अपने स्कैल्प में लगा सकते हैं, या फिर आपके पास कॉटन का कपड़ा है तो आप उससे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने बालों को खोल लिया और मैं खींच के भी दिखा रही हूँ, लेकिन वो मैं ऐसे खींच रही थी, लेकिन आप देख सकते हैं मैंने अच्छे तरीके से पूरे बालों को खोल लिया है। इसके बाद मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करके फिर इनको अप्लाई करूँगी जो मैंने रेमेडी बनाई है। पहले के अकॉर्डिंग मेरे बालों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो चुकी है, क्योंकि पहले की वीडियो में अगर आप देखेंगे ना तो मेरे बालों की इतनी ग्रोथ नहीं थी, लेकिन पहले से काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है, बाल बिल्कुल भी मतलब कि इधर से उधर नहीं हुए हैं, डैमेज वगैरह नहीं हुए हैं, और आप देख सकते हैं मेरे बाल ग्लॉसी और शाइन लग रहे हैं अभी भी, और जबकि मैंने ये 2-3 दिन के बाल मैंने वॉश कर रखे हैं। और इसके बाद आज मैंने ये रेमेडी बनाई है तो मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ अपने बालों में। तो आप मेरी पहली वीडियो में देखोगे ना तो मेरे बाल उसमें ना बहुत ज़्यादा मतलब कि कलरिंग है उसके अंदर और काफ़ी डैमेज से लग रहे हैं। तो जब से मैंने ये रेमेडी वगैरह स्टार्ट किया है अपने बालों में अप्लाई करना, तब से मेरे बालों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मैं लास्ट 1 ईयर से ये रेमेडीज़ वगैरह इस्तेमाल कर रही हूँ अपने बालों में, तो हफ्ते में 3 से 4 रेमेडीज़ मेरी हो जाती है। तो मैं स्किन के ऊपर तो नहीं बनाती, लेकिन बालों के ऊपर ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बालों की केयर करना बहुत पसंद है। कितने लोग होते हैं कि बालों की इतनी केयर करते हैं फिर भी उनके बाल नहीं बढ़ते हैं, तो कोशिश करें कि आप जो मैं रेमेडी यूज़ करती हूँ और बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होती है और ये नेचुरल इंग्रेडिएंट होते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करिए। तो आप मेरी जितनी भी रेमेडीज़ देखेंगे ना उसमें मैं केमिकल फ्री ही सारी रेमेडी बनाती हूँ, और ये रेमेडीज़ इतनी अच्छी होती हैं क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इसका इस्तेमाल किया है तो मुझे इसका फ़ायदा मिल रहा है। तो आप पहले के अकॉर्डिंग आप अगर मेरी पहली वीडियो उठा के देखेंगे ना और आपकी वीडियो देखेंगे तो आप फ़र्क देखेंगे मेरे बालों के अंदर। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। इसके बाद ना हमें ये जो मैंने रेमेडी लगाई है इसको अच्छे से हमें मालिश करनी है अपने सर के अंदर, मसाज टाइप का करना है, क्योंकि मसाज करेंगे तो ब्लड सर्कुलेट होगा और इसके बाद हमारे बालों की जो ग्रोथ है वो एक्टिव हो जाएगी और बाल बहुत ज़्यादा बाउंसी होने लग जाएंगे। तो मसाज करने से ना काफ़ी फ़ायदा होता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेट होता है, ब्लड सर्कुलेशन से हमारे जो स्कैल्प पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं,
फिर हमारे बालों की ग्रोथ होती है, बाल अच्छे बनते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने ये जो रेमेडी बनाई है, इसको मैं अपने बालों की जो हेयर की लेंथ है ना उसमें लगाऊंगी। जो दो मुहे बाल होते हैं ना उनसे जो प्रॉब्लम होती है ना हमें बालों को ना बढ़ने की, तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। तो जो दो मुहे बाल होते हैं ना वो हमारे बालों को कभी नहीं बढ़ने देते। तो आप कोशिश करें कि ट्रिमिंग भी कराते रहिए और रेमेडीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर लगाते रहिए, लेंथ की हेयर मतलब जो बालों की लेंथ होती है वहाँ पर। और ऑयलिंग भी ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ऑयल आपको लगा कर मतलब कि आधे घंटे बाद धो लेना है बालों को, ये नहीं है कि लगा के दो तीन दिन के लिए छोड़ दिया। जैसे ऑयलिंग करिए आपने, आधे घंटे बाद वॉश कर लो बालों को। तो ये जो आगे की तरफ बेबी हेयर्स हो जाते हैं ना, जैसे ये माथे की तरफ, तो यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ पे गंजापन दिखता है। तो कोशिश करें कि यहाँ पे भी मतलब ज़्यादा लगाइए आप ऑनियन जूस। ऑनियन जूस जो होता है ना वो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। हाँ थोड़ी सी स्मेल आएगी लेकिन आप उस स्मेल से बच सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं, कोई सा भी 4-5 बूंदे, या रोज़मेरी का भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर, तो वो स्मेल बिल्कुल गायब हो जाती है। आप चाहे तो ये ट्राई करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पूरी तरह लगा चुकी हूँ अपने बालों में अच्छे तरीके से, तो आप देख सकते हैं। तो इसके बाद मैं बालों को वॉश कर लेती हूँ। आधे घंटे बाद वॉश करने के बाद कुछ इस तरीके का टेक्सचर आता है बालों का, बाल बाउंसी लगते हैं और आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बालों को वॉश कर लिया था एक शैम्पू से। शैम्पू तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी। और हाँ, मैं ऐसी वीडियोस हर दिन लेकर आती रहती हूँ, तो मैंने अभी डेली का स्टार्ट कर दिया है वीडियो व्लॉग बनाना अपना। तो मैं सोच रही थी कि क्योंकि मैं घर पे थोड़ा सा खाली रह रही हूँ, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं डेली बेसिस पे मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँ। और बाकी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, लव यू।